नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कैस्परूड और मैरिन सेली के बीच। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कैस्परूड की। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। जन्म कब हुआ इनका? 22 दिसंबर 1998। प्रेजेंट एज है इनकी 23। हाइट 1.83 मीटर, 6 फीट के हैं ये। खेलते कैसे हैं? राइट हैंडेड टू हैंडेड बैकहैंड से खेलते हैं। इसके बाद मैरिन सेली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? क्रोएशिया से। जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1988। प्रेजेंट एज है इनकी 33। हाइट है इनकी 1.98 मीटर, 6 फीट 6 इंच। खेलते हैं राइट हैंडेड टू हैंडेड बैकहैंड से खेलते हैं। इसके बाद हेड टू हेड देख लेते हैं दोनों को। दो मैच हुए अभी तक और दोनों मैच में कैस्परूड मैरिन सेली से जीते हैं। हार्ड कोर्ट में एक बार और क्ले कोर्ट में भी एक बार मैरिन सेली से जीते हैं कैस्परूड। इसके बाद कैरियर हाइलाइट्स देख लेते हैं कैस्परूड की। इन्होंने ओवरऑल 148 मैचेस जीते हैं, 79 हारे हैं और इनका जो परसेंटेज है विन कट 65.2 कैरियर रिकॉर्ड। इसके बाद कैरियर टाइटल्स हैं इनके पास 8। हाईएस्ट रैंकिंग इनकी नंबर 7 थी 4 अप्रैल 2022 और करंट रैंकिंग है इनकी नंबर 8 16 मई 2022 में। इसके बाद मैरिन सेली की देख लेते हैं कैरियर रिकॉर्ड्स। ओवरऑल इन्होंने 567 मैच जीते हैं, 317 हारे हैं और इनका विन परसेंटेज है 64.1%। कैरियर टाइटल्स इनके पास है 20। हाईएस्ट रैंकिंग इनकी नंबर 3 थी 29 जनवरी 2018 में। करंट रैंकिंग इनके पास है 23। 21 मार्च 2022 तक इनकी रैंकिंग थी 23। अब देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम रिजल्ट्स। सबसे पहले कैस्परूड के ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये फोर्थ राउंड में पहुंचे हैं 2021 में। फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल में इस साल पहुंच रहे हैं 2022 में। विंबलडन में ये फर्स्ट राउंड में पहुंचे थे 2019 और 2021। यूएस ओपन में थर्ड राउंड में पहुंचे थे 2020। मैरिन सेली का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंचे थे 2018 में। फ्रेंच ओपन में इस साल पहुंच रहे हैं सेमीफाइनल में 2022 और विंबलडन में फाइनल में पहुंचे थे 2017। यूएस ओपन इन्होंने विन किया था 2014। इसके बाद डबल्स रिकॉर्ड देख लेते हैं दोनों के। पहले कैस्परूड का कैरियर रिकॉर्ड्स, 15 इन्होंने जीते हैं, 26 हारे हैं और ओवरऑल विन परसेंटेज इनका 36.6%। करंट टाइटल्स इनके पास डबल्स के हैं 0। हाईएस्ट रैंकिंग डबल्स मैन की नंबर 133 जो 12 जुलाई 2021 में थी और करंट रैंकिंग है इनकी 209 जो 16 मई 2022 तक है। अब मैरिन सेली की देख लेते हैं डबल्स रिकॉर्ड। कैरियर रिकॉर्ड इनका है 88 जीते हैं, 98 हारे हैं और इनका जो विन परसेंटेज है 47.3% है। कैरियर टाइटल्स इनके पास डबल्स के हैं 0। हाईएस्ट रैंकिंग की नंबर 49 15 अप्रैल 2013 तक और करंट रैंकिंग है डबल्स में 535 जो 23 मई 2022 तक थी। इसके बाद ग्रैंड स्लैम डबल्स रिजल्ट देख लेते हैं कैस्परूड का। ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स में सेकेंड राउंड में पहुंचे थे 2021 में। फ्रेंच ओपन में सेकेंड राउंड में पहुंचे थे 2019 में। विंबलडन में क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे 2021 में और यूएस ओपन में थर्ड राउंड में पहुंचे 2019। मैरिन सेली ने कोई डबल्स नहीं पहुंचे। और इसके बाद टीम कंपटीशन देख लेते हैं। डेविस कप और टूर फाइनल्स सेमीफाइनल में पहुंचे कैस्परूड और मैरिन सेली ने वॉन किया है डेविस कप 2018 में और टूर फाइनल्स राउंड रॉबिन में पहुंचे हैं 2014 में, 16 में, 17 में और 18 में। 2018 में राउंड रॉबिन में पहुंचे थे। इसके बाद ओलंपिक गेम्स में देख लेते हैं कैस्परूड कुछ नहीं है और मैरिन सेली का सिंगल्स रिजल्ट इनका थर्ड राउंड में पहुंचे थे 2016 ओलंपिक में सिंगल्स में और डबल्स में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था टोक्यो में 2020 में। तो ये था कंपैरिजन कैस्परूड और मैरिन सेली के बीच। धन्यवाद।